face. Hello friends, welcome again. Today we will discuss questions on caselet DI. So without wasting time, let's start. There are 19,000 students study in a college P. कह रहा है कि P college में 19,000 student पढ़ते हैं. Each of them is studying either one or more of the given languages that are Japanese, Korean and Latin. कह रहा है कि उस कॉलेज में तीन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, जापानीज, कोरियन एंड लैटिन, और सभी के सभी स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा भाषाएं पढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 9:11. मेल टू फीमेल रेशियो हमें गिवन है जो कि है 9:11. सो टोटल मेल और फीमेल कितने हो जाएंगे रेशियो के हिसाब से, 9 + 11 दैट इज 20. सो मेल हो जाएंगे 9/20 और फीमेल हो जाएंगी 11/20. नाउ हमें तीन लैंग्वेजेस गिवन है, जापानीज, कोरियन एंड लैटिन. केसलेट डीआई के केस में जब भी हमें तीन चीजें गिवन हो तो हम वेन डायग्राम मेथड यूज करते हैं, और अगर तीन से ज्यादा चीजें गिवन होती तो हम टेबल मेथड यूज करते हैं. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए वेन डायग्राम. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए वेन डायग्राम फॉर दीज थ्री लैंग्वेजेस. फर्स्ट सर्कल इज फॉर जापानीज लैंग्वेज, सेकेंड सर्कल इज फॉर कोरियन लैंग्वेज एंड थर्ड सर्कल इज फॉर लैटिन लैंग्वेज. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल नो अबाउट डिफरेंट रीजन्स ऑफ दी वेन डायग्राम. If you don't know, simply visit our Facebook page. There, I have uploaded a pic showing different regions of the Venn diagram. So now, let's see our first point. First point is 14% of male students study only Japanese. कह रहा है कि 14% male students केवल Japanese भाषा पढ़ते हैं. Now, most of the students क्या करते हैं? 14% मेल स्टूडेंट निकालने लग जाते हैं. बट इन केस ऑफ केसलेट डीआई, जब तक हमें कोई भी वैल्यू निकालने को ना कहा जाए तब तक हमें उस वैल्यू को नहीं निकालना है. सिंपली सभी वैल्यूज को पुट करते जाना है वेन डायग्राम में टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली. नाउ हमें गिवन है 14% ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडी ओनली जैपनीज. सो वी राइट 14m इन ओनली जैपनीज. M is for male student. 12% study only Korean. So we write 12M in only Korean. And 20% study only Latin. So we write 20M in only Latin. Now next point is 16% of male student study only Japanese and Korean. कह रहा है कि 16% male student केवल Japanese एंड कोरियन भाषा पढ़ती हैं. सो वी राइट 16M इन ओनली जैपनीज एंड कोरियन. 22% स्टडी ओनली कोरियन एंड लैटिन. सो वी राइट 22M इन ओनली कोरियन एंड लैटिन. 8% स्टडी ओनली जैपनीज एंड लैटिन. सो वी राइट 8M इन ओनली जैपनीज एंड लैटिन. नेक्स्ट पॉइंट इज The remaining male student study all given languages. कह रहा है जो remaining male student है वो सभी languages पढ़ते हैं. Now सबसे पहले हमें remaining male student निकालने पड़ेंगे. वो कैसे निकालेंगे? सभी regions की male percentage को add करके 100 में से minus करना पड़ेगा. So 14 + 16 = 30, 30 + 12 = 42, 42 + 22 = 64, 64 plus 20 is 84, 84 plus 8 is 92. So 100 minus 92 is 8%. So we write 8M in all the given languages. Now let's see the next point. Next point is 22% of female students
स्टडी ओनली जैपनीज, कह रहा है 22% फीमेल स्टूडेंट केवल जैपनीज भाषा पढ़ती हैं। सो वी राइट 22F इन ओनली जैपनीज, F इज फॉर फीमेल। 18% स्टडी ओनली कोरियन, सो वी राइट 18F इन ओनली कोरियन। एंड 20% स्टडी ओनली लैटिन, सो वी राइट 20F इन ओनली लैटिन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 12% ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्टडी ओनली जैपनीज एंड कोरियन, कह रहा है कि 12% फीमेल स्टूडेंट केवल जैपनीज एंड कोरियन भाषा पढ़ती हैं। सो वी राइट 12F इन ओनली जैपनीज एंड कोरियन। 16% स्टडी ओनली कोरियन एंड लैटिन, सो वी राइट 16F इन ओनली कोरियन एंड लैटिन। एंड 10% स्टडी ओनली जैपनीज एंड लैटिन, सो वी राइट 10F इन ओनली जैपनीज एंड लैटिन। नाउ लास्ट पॉइंट इज द रिमेनिंग फीमेल स्टूडेंट स्टडी ऑल द गिवन लैंग्वेजेस, कह रहा है जो रिमेनिंग फीमेल स्टूडेंट हैं वो सभी लैंग्वेजेस पढ़ती हैं। सो सबसे पहले हमें रिमेनिंग फीमेल स्टूडेंट निकालनी पड़ेंगी, वो कैसे निकालेंगे, सभी रीजन्स की फीमेल परसेंटेज को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, एज वी डिड फॉर रिमेनिंग मेल स्टूडेंट। सो 22 + 12 = 34, 34 + 18 = 52, 52 + 16 = 68, 68 + 20 = 88, 88 + 10 = 98. सो 100 - 98 = 2%, सो वी राइट 2F इन ऑल द गिवन लैंग्वेजेस। नाउ वी कैन सी दैट आवर ऑल पॉइंट्स आर कंप्लीटेड एंड आवर वेन डायग्राम इज आल्सो कंप्लीटेड। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेजेस इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन वन ऑफ द गिवन लैंग्वेज, कह रहा है मेल स्टूडेंट जो कि एक से ज्यादा भाषाएं पढ़ते हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं फीमेल स्टूडेंट से जो कि एक से ज्यादा भाषाएं पढ़ती हैं। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मेल स्टूडेंट जो कि एक से ज्यादा भाषाएं पढ़ते हैं। सो एक से ज्यादा भाषाएं पढ़ते हैं मीन्स हमें ओनली वाले तीन रीजन्स को छोड़कर सभी रीजन्स की मेल परसेंटेज को एड करना पड़ेगा। सो 16 + 8 = 24, 24 + 8 = 32, 32 + 22 = 54 into टोटल मेल स्टूडेंट जो कि है 9/20। नाउ फीमेल स्टूडेंट निकाल लेते हैं जो कि एक से ज्यादा भाषाएं पढ़ती हैं इन दिस सेम वे, 12 + 2 = 14, 14 + 10 = 24, 24 + 16 = 40 into टोटल फीमेल दैट इज 11/20। नाउ हमें मोर परसेंटेज फाइंड करना है, सो वी राइट परसेंटेज मोर विल बी इक्वल टू 54 × 9/20 -40 × 11/20 / 40 × 11/20 और हमें परसेंट निकालना है, सो इंटू में 100, 20 कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। 54 × 9 = 54 × 10 = 540, 540 में से 54 माइनस कर देंगे, सो वी गेट 486 -40 × 11 = 440 / 440 × 100, सो व्हाट विल वी गेट, 486 -440 = 46 / 440 × 100, 0 से 0 कैंसिल, 44 × 1 = 44, 2 0, सो 0, 10 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, सो आवर आंसर विल बी बी, नो नीड टू फाइंड दी एग्जैक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन डाउन बिलो टू हैव मोर वीडियोस लाइक दिस। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडी कोरियन लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी दी
सेम लैंग्वेज, हमें रेशियो फाइंड करनी है मेल स्टूडेंट एंड फीमेल स्टूडेंट में जो कि कोरियन लैंग्वेज पढ़ते हैं। ना सबसे पहले हम मेल स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं जो कि कोरियन लैंग्वेज पढ़ते हैं। सो 12 प्लस 16 दैट इज 28, 28 प्लस 8 इज 36, 36 प्लस 22 इज 58 इनटू टोटल मेल दैट इज 9/20 रेशियो फीमेल स्टूडेंट जो कि कोरियन भाषा पढ़ती हैं, सो 18 प्लस 12 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32, 32 प्लस 16 इज 48 इनटू टोटल फीमेल दैट इज 11/20 सो ये मिल जाएगा 3 3 9, 3 1 3, 1 8, 3 6 18 एंड 20 से 20 कैंसिल। नाउ 2 2 4, 1 8, 2 9 18 एंड 2 8 16, 29 इंटू 3 इज 87, रेशियो 11 इंटू 8 इज 88, सो अवर आंसर विल बी सी। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु स्टडी लैटिन लैंग्वेज एंड नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हु स्टडी लैटिन लैंग्वेज। हमें डिफरेंस फाइंड करना है फीमेल और मेल स्टूडेंट में जो कि लैटिन लैंग्वेज पढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले हम फीमेल स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज पढ़ती हैं। सो 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32, 32 प्लस 16 इज 48, 48% ऑफ टोटल फीमेल दैट इज 11/20 माइनस टोटल मेल स्टूडेंट जो कि लैटिन लैंग्वेज पढ़ते हैं। सो 20 प्लस 8 इज 28, 28 प्लस 8 इज 36, 36 प्लस 22 इज 58% ऑफ टोटल मेल स्टूडेंट दैट इज 9/20। बट हमें टोटल नंबर निकालना है तो हमें टोटल स्टूडेंट जो कि 19,000 है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2,000 नीचे कॉमन आ जाएगा तो हम 3 0 कैंसिल कर देंगे 19,000 से, यहाँ रह गया 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 1 2, 2 2 4, 1 8, 2 9 18, सो 24 इंटू 11 इज 264 माइनस 29 इंटू 9 इज 261 इंटू 19, सो 264 माइनस 261 इज 3 इंटू 19 दैट इज 57, सो अवर आंसर विल बी ई। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेल स्टूडेंट स्टडी जैपनीज लैंग्वेज, कह रहा है कितने मेल स्टूडेंट जैपनीज भाषा पढ़ते हैं। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टोटल मेल परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि जैपनीज लैंग्वेज पढ़ते हैं। सो 14 प्लस 16 इज 30, 30 प्लस 8 इज 38, 38 प्लस 8 इज 46, 46% ऑफ टोटल मेल दैट इज 9/20। बट हमें टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है, सो वी आल्सो हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 19,000। सो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 23 into 9, 23 into 10 is 230 and 230 minus 23 is 207 into 19 और 19 को क्या हम लिख सकते हैं 20 minus 1, so 207 into 2 is 414 and 10 as it is minus 207, so ये क्या हो जाएगा 3933, so our answer will be D. Now we move on to our next question. Now next question is the number of male students who do not study Korean language is what percent of the number of female students in college P. कह रहा है कि male student जो कि Korean language नहीं पढ़ते वो कितने percent है female student के जो कि college P में पढ़ती है। Now to solve this question friends, सबसे पहले हम मेल स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं
जो कि कोरियन लैंग्वेज नहीं पढ़ते। तो कोरियन वाले सर्कल को छोड़कर बाकी के तीन रीजन की मेल परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं। 14 प्लस 8 इज 22, 22 प्लस 20 इज 42, 42% ऑफ टोटल मेल दैट इज 9/20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन कॉलेज पी दैट इज 11/20 और हमें परसेंट फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 42 इंटू 9 इज 378 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 11 1 11, 11 3 33, 4 8, 11 4 44, 4 0, सो 11 3 33, सो आवर आंसर विल बी ए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।